अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने वाले हैं चीज़ी चिकन बंस, जो के बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और बहुत ही चीज़ी बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डो गूंद लेंगे। ये मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे और 5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये मैंने ईस्ट ली है 1 टीस्पून, इसको पानी में मैंने राइज होने के लिए रख दिया था, वो ऐड कर देंगे। और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी हम नान रोटी, तंदूरी रोटी या फिर पराठा या फिर बंस के लिए डो गूंथते हैं, तो डो आपको बिल्कुल सॉफ्ट गूंथ कर रेडी करना है। तो इसमें भी हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो चाहिए, तो पानी का यूज़ करते हुए गूंथ लेंगे हम। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबाए। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको दिख पाएगी। तो डो हमारा गूंद कर रेडी हो चुका है, ऑयल लगा देंगे और इसको 1 से 2 घंटों के लिए राइज होने के लिए रख देना है। तो अब हम चीज़ी फिलिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये एक छोटी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा सॉटे करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए प्याज। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड कर देंगे। ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, लो फ्लेम रखना है और इसको भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप मैदे को अच्छी तरह से नहीं भूनोगे तो कच्ची सी स्मेल आने लगेगी, फीलिंग अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से स्टर करते रहना है, कंटिन्यू। फ्लेम को हाई नहीं करना है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से स्टर करते रहेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट कम ही ऐड करना है क्योंकि हम इसमें चीज़ का भी यूज़ करने वाले हैं, चीज़ में भी नमक होता है। इनको मिक्स करने के बाद अब 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए, और अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप चॉप किए हुए गार्लिक ऐड कर सकते हैं या फिर लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये थिक भी हो चुका है। मिक्सचर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे चॉप की हुई, आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पेपरिका पाउडर भी काफ़ी तेज़ होता है तो कम ही डालना है आपको। ये मैंने 250 ग्राम्स चिकन ले ली है, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। थोड़े बड़े श्रेड किए हैं मैंने, अगर आप चाहें तो और बारीक बारीक भी इसको श्रेड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चिकन की चीज़ी फिलिंग बनकर रेडी है, बट इसमें अभी चीज़ डालना बाकी है जो कि हम बाद में डालेंगे। तो फिलिंग को ठंडा होने रख देते हैं। ये देखिए 2 घंटा हो चुका है, हमारा डो अच्छी तरीके से राइज हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट डो गूंदा है हमने। अब इसके पार्ट कर लेंगे हम। आपको अगर छोटे बंस बनाने हैं तो छोटे या बड़े अपने हिसाब से आप पार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे जो पार्ट्स कट किए थे आटे के, उसके मैंने डो बना लिए हैं। अब एक पेड़ा हम उठा लेंगे और उसको हाथों की मदद से इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। आप चाहे तो रोल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फ्लैट कर लेना है हाथों से। अब जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी वो हम इसमें फिल कर देंगे।
तो इस तरीके से डो को हल्के हाथों से खींचते हुए मैं थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ ताकि फिर इसको पैक करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो फिलिंग को भरने के बाद ये मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। चीज़ी बंस है तो चीज़ ज़्यादा ही डालना है, और आप चाहें तो जब आप फिलिंग बना रहे हैं उस वक्त भी आप फिलिंग में भी ऐड कर सकते हैं चीज़। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसको पैक कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से पैक कर देंगे और हल्के हाथों से इसको शेप दे देना है राउंड, ज़्यादा दबाना नहीं है वरना फिलिंग बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए एक बन हमारा बनकर रेडी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और दूसरा वाला भी बन इसी तरीके से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। आप स्नैक्स टाइम पर इसको खा सकते हैं बनाकर, डिनर टाइम पर भी खा सकते हैं, बच्चों को तो काफ़ी पसंद होता है ये सब। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है, आसानी से बन जाता है और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए सेकेंड वाला बन भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये मैंने बेकिंग डिश ले ली है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप जो भी बेकिंग ट्रे वगैरह ले रहे हैं तो उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर ले। अब जो बंस हमने बनाकर रखे थे उनको इसमें रख देना है। तो सारे बंस इसी तरीके से बनाकर हमने ये देखिए रेडी कर लिए हैं। अब इसको कवर कर देंगे क्लोथ से और 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, जब तक हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस पर मिल्क वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो एग वॉश भी कर सकते हैं बट मैं मिल्क वॉश कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मिल्क वॉश कर लेना है, ये कलर के लिए होता है, ये करने से कलर अच्छा आ जाता है बंस पर हमारे। तो मिल्क वॉश करने के बाद अब हम इस पर तिल ऐड कर देंगे। मैंने ब्लैक वाली तिल ली है, इससे थोड़ा लुक अच्छा हो जाएगा हमारे बंस का, दिखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये तिल हम इसमें ऐड कर देंगे और 170 टेम्परेचर पर हम इसको 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के हमारे चीज़ी बंस बनकर रेडी है। इस पर हम बटर लगा देंगे। ये एक बन थोड़ा खुल गया है क्योंकि ये चीज़ी बन है, तो इसमें से चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ गई है। तो कोई बात नहीं, चीज़ी बंस है तो चीज़ तो बाहर निकलेगी ही। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी यम्मी से हमारे बंस चीज़ी बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इस तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।